फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग एट ईज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हमारी हिबिस्कस प्लांट के ऊपर। आज हम करेंगे हिबिस्कस प्लांट की कटिंग, प्रूनिंग, और इसके ऊपर देखिए कितने इंसेक्ट का अटैक है। बिल्कुल इंसेक्ट ने पूरा इसको कवर कर रखा है प्लांट को। तो देखिए कितने ज़्यादा, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक इस प्लांट के ऊपर है। देखिए छोटे छोटे इंसेक्ट आपको नीचे एफिड्स और कुछ और भी कीड़े मकोड़े इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, एफिड्स हैं। और देखिए पूरी प्लांट की कलियां जो है हिबिस्कस प्लांट की बिल्कुल जो है इंसेक्ट से घिरी हुई हैं। तो इसकी आज हम बहुत अच्छे से कटिंग प्रूनिंग करेंगे। एक तरीके से मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग ही करने वाली हूँ आज, क्योंकि पूरे प्लांट के ऊपर मेरे इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा अटैक है। और इसके बाद इसके ऊपर करेंगे स्प्रे, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे। और प्लांट मुझे लग रहा है कि शायद रूट बाउंड हो चुका है। देखिए बिल्कुल इसके नीचे से इस तरह से, देखिए सॉइल को मैंने हिलाकर देखा तो बिल्कुल इसकी जड़ें ऊपर तक निकल रही हैं। और प्लांट को उल्टा करके देखते हैं तो देखिए नीचे इसके होल में से भी इसकी हल्की हल्की जड़ें इसकी नज़र आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्लांट को रूट प्रूनिंग करके इसकी जो है रीपॉटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम काम करते हैं हिबिस्कस प्लांट के ऊपर, तो इसकी कटिंग प्रूनिंग कर लेते हैं और इसकी रिपॉटिंग करते हैं। तो चलिए कैमरे को सेट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ अपना आज का हिबिस्कस वर्क। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से मैं प्लांट को कट करने वाली हूँ, क्योंकि इसके ऊपर इतना इंसेक्ट का अटैक है कि मैं चाहती हूँ कि सभी जो है इसकी इन्फेक्टेड ब्रांचेस को मैं कट कर दूं। और इसके बाद इसकी जो नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी वो हमारी अच्छी नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी, फ्रेश ब्रांच निकल कर आएगी। तो उसके ऊपर जो है बहुत अच्छे से लीव्स भी निकलेंगी और फ्लावरिंग भी अच्छे से होगी। तो मैं इसको आज हार्ड प्रूनिंग ही करने वाली हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने ज़्यादा इंसेक्ट इसके ऊपर लगे हुए हैं। ये पता नहीं इस प्लांट के ऊपर किस तरह से इंसेक्ट का अटैक हो गया, एफिड्स का अटैक हो गया, और बहुत ज़्यादा इसमें इंसेक्ट का अटैक है। तो प्लांट को मैं अच्छे से कट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे प्लांट की कटिंग कर दी है, अच्छे से मैंने इसको कट कर दिया है। जो भी इसके क्रॉस कर रही हैं ब्रांचेस, इन ब्रांच को भी हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरे प्लांट की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है, कटिंग अच्छे से कर दी है मैंने प्लांट में से। सभी इन्फेक्टेड ब्रांचेस को मैंने कट कर दिया है। और ये वाले जो है लीव्स हैं, ये इनकी लीव्स को जो अभी हम देख लेंगे, जो जो लीव्स सही होगी उसको रखेंगे। और जिस प्लांट के लीव्स के ऊपर इंसेक्ट का अटैक होगा उसको हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। और इसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर स्प्रे। पहले हम प्लांट को रिपॉट करेंगे, प्लांट को जो है हम सॉइल में से निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल रूट बाउंड प्लांट हमारा हो चुका है, तो इसको हल्का हल्का पहले हम हल्की हल्की मिट्टी इसके ऊपर से निकालेंगे। देखिए प्लांट की जड़ें कितनी अच्छे से फैली हुई हैं हमारे। तो इसको जो है हल्का ढीला कर लेंगे साइड से गमले के। तो देखिए प्लांटर के अंदर भी कितनी ज़्यादा चींटियाँ इसके अंदर चल रही हैं। तो बहुत ही ब्लैक ब्लैक चींटियाँ इसके ऊपर है, तभी हमारे प्लांट के ऊपर इतना ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक है। और आप देखिए यहाँ पे चींटियाँ ही चींटियाँ हो गई हैं प्लांट नीचे। तो और देखिए इसकी बिल्कुल रूट बॉल देखिए बिल्कुल जड़ों से भरा हुआ है, बिल्कुल इतनी अच्छी रूट्स इसके अंदर हैं, लेकिन चींटियों का भी बहुत ज़्यादा अटैक है। तो मैं इसको जो है अभी एक दिन के लिए धूप में ऐसे ही रखूँगी। तो मैं इसको बिल्कुल, इसकी चींटियाँ जब धूप में मर जाएंगी और दूर भाग जाएंगी तो मैं इन इसकी रूट प्रूनिंग करूँगी। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ एक दिन के लिए। तो फ्रेंड, मैं सोच रही हूँ कि अभी इसको ऐसे छोड़ने की बजाय एक बार मैं इसको कट कर देती हूँ। जितने भी हमारी प्लांट की इसकी रूट्स होंगी, एक्स्ट्रा रूट्स हैं, उनको निकाल देती हूँ और इसमें से चींटियाँ भी हमारे प्लांट में से निकल जाएंगी।
प्लांट को मैंने प्लांटर में से निकाल लिए। इतनी ज़्यादा चींटियां हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं, शायद आपको कैमरे में दिखाई दे जाए, बहुत ज़्यादा चींटियां इस सॉइल के अंदर थी। तो इसीलिए प्लांट में हमारे बहुत ज़्यादा एफिड्स का और इंसेक्ट का अटैक था, वाइट फ्लाइज का अटैक था। आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रही होंगी छोटी बहुत सारी चींटियाँ इस सॉइल के ऊपर चल रही हैं, और बिल्कुल भी इस सॉइल को मैं अभी यूज़ नहीं कर सकती हूँ। और प्लांट को भी देखिए, निकाल के मैंने अभी रख दिए साइड में, इतनी ज़्यादा रूट्स इसके अंदर से निकली हैं। तो प्लांट्स को अभी मैं एक दिन के लिए इसी तरह से अभी छाया में रख दूंगी, क्योंकि अभी इसको रिपोर्ट करना मुझे सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मुझे इस काम को रोकना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा चींटियाँ हैं कि सभी मेरे देखिए पैरों के ऊपर भी चढ़ रही हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे मैंने बनाया है, मेरे पास एक वो भी था ट्राइकोडर्मा है, उसको पाउडर वाला, वो मेरे पास नीचे रखा हुआ है, तो अभी मैं उसको भी लाकर डालूंगी शाम के टाइम। फिलहाल मैं इसको देखिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके चींटियों के ऊपर, सॉइल के ऊपर, इसको जो है अभी एक दिन के लिए धूप में ही रहने दूंगी, तो सभी चींटियाँ इसके ऊपर से भाग जाएंगी। तो उसके बाद जब ये सॉइल हमारी सही हो जाएगी, उसके बाद हम इसको जो है रिपोर्ट करेंगे, और प्लांट भी हमारा अच्छे से इन्फेक्टेड से हो जाएगा। इसको भी देखिए, हम जो है प्लांट को इंसेक्टिसाइड के स्प्रे से नहला देते हैं, क्योंकि प्लांट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंसेक्ट थे, इसकी स्टेम्स के ऊपर भी थे। देखिए जितनी भी लीव्स के ऊपर हमारे इंसेक्ट होगा वो निकल जाएगा, और नीचे हमारा काउडंग कंपोस्ट है इसके ऊपर ही मैंने रख दिया। इतनी ज़्यादा चींटियाँ थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मुझे अभी तक यहीं पर समझ आया, इसी के ऊपर मैं अभी कर रही हूँ। जल्दी जल्दी मैं इन चींटियों को भगाना चाह रही थी। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सभी हिबिस्कस प्लांट जो है बिल्कुल रूट बाउंड हो चुके हैं। देखिए मैंने ये वाला भी गमले से निकाल लिए, बड़ा प्लांट, काफ़ी मैच्योर प्लांट ये हो चुका है, कम से कम 2 साल पुराना ये मेरा प्लांट है। ये देखिए, इसकी भी देखिए कितना ज़्यादा रूट बाउंड ये प्लांट हो चुका है। अभी मैंने इसको प्लांटर में से निकाला है, तो बिल्कुल इसकी रूट्स, सभी प्लांट्स की रूट्स जो है मुझे रूट प्रूनिंग करके फिर मुझे इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए बाकी जो मेरे वो वाले 2 हिबिस्कस रखे हैं, एक छोटे प्लांटर में लगा हुआ है और एक बड़े प्लांटर में लगा हुआ है, कम से कम 10 इंच के पीछे वाले, उनको भी मैंने रूट प्रूनिंग करके रिपोर्ट किया है। तो सभी प्लांटर्स को रिपोर्ट करके दिखाना तो इम्पॉसिबल है, तो जो जो मैं प्लांट आपको दिखा रही हूँ, देखिए एक ही तरीके से सभी हिबिस्कस के ऊपर काम करते हैं, तो एक ही के बारे में मैं आपको शेयर करूँगी। देखिए इसकी भी रूट प्रूनिंग कर रही हूँ, और जो मैंने पहले प्लांट निकाला था और उसकी सॉइल में इतनी ज़्यादा चींटियाँ थी, तो जब प्लांट जो है रूट बाउंड हो जाते हैं तो उसमें चींटियाँ तो ऑलरेडी पैदा हो जाती हैं, और चींटियाँ ही इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, इंसेक्ट्स को लेकर आती हैं और प्लांट को डैमेज करती हैं। तो चलिए इसकी भी रूट प्रूनिंग करते हैं और प्लांट को रिपोर्ट करते हैं। तो सभी हिबिस्कस को एक बार रिपोर्ट करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और फर्टिलाइज तो मैं वही दूँगी, काउडंग कंपोस्ट मैंने लिया हुआ है, जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था वही मैं सभी प्लांट्स में डालूंगी। काउडंग कंपोस्ट है, नीम खली है, एप्सम सॉल्ट, NPK और DAP के कुछ दाने, और इसके बाद फंजीसाइड पाउडर, बोन मिल है आपके पास, बोन मिल मिला सकते हैं, और इसके अलावा नीम खली तो मैंने आपको बताया ही है, सूखी हुई चाय पत्ती वो भी मिक्स करूंगी। तो ये सभी फर्टिलाइज मिलाकर मैं अभी सभी प्लांट्स को रिपोर्ट करूंगी और इनको ही इस तरह से फर्टिलाइज करूंगी, और इसके बाद जो भी प्लांट्स की कटिंग प्रूनिंग है वो करूंगी, और इसके ऊपर स्प्रे करूंगी, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करूंगी, क्योंकि ये विस्कस प्लांट जो है बहुत जल्दी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और बहुत जल्दी इसके ऊपर मिली बग का और एफिड्स का अटैक होता है, तो उसे बचाने के लिए हमें जो है स्प्रे भी करना पड़ेगा। तो वो सभी चीज़ें हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा रूट बाउंड प्लांट था ये, इतने ज़्यादा रूट्स इसके अंदर से निकली हैं, पूरा रूट्स का गुच्छा इसके अंदर से निकला है। तो देखिए इसको मैंने प्लांट में से निकाल भी लिया, बिल्कुल इसको रूट प्रून कर दिया, आप देख सकते हैं छोटा सा रूट बॉल इसमें रह गया है। तो अब इसको जो है नया सॉइल मिक्स बनाकर मैं इसमें रिपोर्ट करूंगी, और देखिए कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। फेब्रवरी मंथ जो है गार्डनर के लिए बहुत हेक्टिक वाला मंथ होता है, तो इसमें जो है ये सब हम काम नहीं करते हैं तो हम आने वाले टाइम में इनमें फ्लावरिंग भी नहीं ले पाते हैं, तो ये वर्क करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसको रिपोर्ट करती हूँ, सुबह से लगी हूँ, कितने सारे प्लांट्स को रिपोर्ट कर चुकी हूँ। चलिए फ्रेंड, लास्ट में अब इस हिबिस्कस को जो है रिपोर्ट करूँगी। तो 2 घंटे से हिबिस्कस हमारा सूख रहा था, ड्राई हो गया है बिल्कुल, इसकी रूट्स को भी थोड़ी बहुत हवा लग गई है, और इसके लिए सॉइल मिक्सचर मैंने तैयार किया, काउडंग कंपोस्ट, सैंड
और गार्डन सॉयल और एनपीके 19:19:19 फंजीसाइड पाउडर, डीएपी के कुछ एक चम्मच और नीम खली के दो चम्मच और एप्सम सॉल्ट, और उसके बाद थोड़ी सी चाय पत्ती, सूखी हुई चाय पत्ती मैंने इसमें डाली है। और अब मैं जो है इसको इसमें प्लांट में लगाने वाली हूँ। सॉइल में जो है सॉइल को थोड़ा सा हम फिल कर लेंगे प्लांटर में, देखिए इस तरह से ही फिल कर लेंगे थोड़ा सा प्लांटर हम अपने सॉइल में सॉइल से फिल कर लेंगे। उसके बाद हम अपने इस को साइड करते हैं और अपना जो ये हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया है, सॉइल मिक्स तैयार किया है, इसको मिला लेंगे। इसको मैं सिर्फ साइड से भरूंगी प्लांटर को, इसलिए मैंने नीचे सिर्फ नॉर्मल सॉइल डाली है प्लांट में। देखिए प्लांट हम सॉइल मिक्स हमारा मिक्स हो गया है। प्लांट को हम अपने पॉट में रखेंगे, देखिए इस तरह से पॉट में रख देंगे प्लांटर को, प्लांट को पॉट में डालेंगे। इस टाइम मैं इतना थक चुकी हूँ कि मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ और मेरे मुंह से कुछ निकल रहा है, तो प्लीज़ आप समझ जाइए। तो सुबह से धूप में बैठकर मैं काम कर रही हूँ, बहुत सारे हिबिस्कस प्लांट्स मैंने रिपोर्ट किए हैं। तो देखिए अपने सॉइल मिक्सर से मैंने चारों तरफ से इस प्लांट को भर दिया है, देखिए इस तरह से भर देंगे और हल्के हाथ से जो है आप इसको दबा देंगे, चारों तरफ से दबा देंगे ताकि कोई एयर गैप ना रहे। प्लांट थोड़ा ये टेढ़ा है इसलिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है प्लांट, इसको थोड़ा हम बीच में कर लेते हैं। बिल्कुल एक हाथ से काम कर रही हूँ तो थोड़ा पैरों से भी पकड़ना पड़ रहा है। चलिए हमारा ये हिबिस्कस देखिए लग के तैयार हो गया है। तो सभी हिबिस्कस को मैंने इसी तरह से रिपॉट कर लिया है और इनको एक जगह में प्लेस करके जहाँ जहाँ पे मुझे इनको रखना है कुछ मैंने थोड़ा सा चेंज भी किया है, वो आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद सभी प्लांट्स को रिपॉट करने के बाद हम इनको करेंगे वाटरिंग। पहले एक जगह में इनको सेट कर लूँगी, उसके बाद इनको वाटरिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, सभी हिबिस्कस प्लांट को मैंने रूट प्रूनिंग करके और कटिंग प्रूनिंग करके इनको रीपॉट कर दिया है और इनको मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। अभी देखिए एक मेरा प्लांटर ये इस टाइप का प्लांटर था, वो टूट गया था, तो इस वाले प्लांट को जो है मैंने बाल्टी में लगा दिया है और अब हम करेंगे इनकी वाटरिंग। देखिए प्लांट को रीपॉट करने के बाद बहुत अच्छे से आपने फुल वाटरिंग करनी है, और फुल वाटरिंग करने के बाद प्लांट में तभी वाटर करना है आपने जब प्लांट की सॉइल बिल्कुल सूख जाए। तो देखिए मैंने इनको अभी छत पे ही प्लेस कर दिया क्योंकि मेरे पास छाया में बहुत ज़्यादा प्लेस नहीं है रखने के लिए सभी प्लांट्स को, बड़े बड़े प्लांटर्स को, तो मैंने इनको रिपॉट करके यहीं पे प्लेस कर दिए जहाँ पे टेरेस गार्डन में मैंने इनको रखना है। तो देखिए सभी प्लांट्स को रिपॉट कर चुकी हूँ मैं, और एक प्लांट मैंने वहाँ पर रखा है, देखिए आप देख सकते हैं वो रेड कलर के गमले में हिबिस्कस लगा हुआ है, उसको भी मैंने अभी रिपॉट किया है, बिल्कुल उसकी भी रूट प्रूनिंग की है। तो चलिए ये थी हमारी आज हिबिस्कस प्लांट को कैसे आपने रिपॉट करना है उसके ऊपर वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।